हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉल्व दी फॉलोइंग। अच्छा, नीचे जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, मतलब नीचे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको पढ़ के हमें इक्वेशन सेटअप करना है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ए पार्ट में देखो क्या है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाई अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। तो टीचर क्लास में बताए हैं उनकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिला है। देखो कितना मिला है, जितना लोएस्ट मार्क्स है उसकी ट्वाइस, मतलब उसकी डबल प्लस 7, और उससे 7 ज़्यादा। तो इतना हाईएस्ट मार्क्स मिला है उस स्टूडेंट को, ठीक है। द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है 87। व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर, तो लोएस्ट स्कोर कितना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। अच्छा, जो निकालना होता है उसे हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू एक्स। एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। अच्छा, अभी हाईएस्ट स्कोर हम निकालेंगे। तो हाईएस्ट स्कोर कितना है, जितना लोएस्ट मार्क्स है या लोएस्ट स्कोर है इसकी ट्वाइस, मतलब इसकी डबल, मतलब 2 इंटू एक्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2x प्लस 7 प्लस 7 ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, इतना है हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 2x प्लस 7, तो ये दो हम इक्वल कर देंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87, ये बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हम पहले भी कर चुके थे, है ना, इतना तक किए थे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा, तो देखो 2x प्लस 7 है, तो 2x हम यहाँ पे रखेंगे, प्लस 7 जो है ना इसको उस साइड लेकर जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 87, प्लस 7 है उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7 करने से होगा 80। अच्छा, अभी देखो 2 को उधर लेकर जाना है, तो 2 इंटू एक्स है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, तो x इज इक्वल टू 40। तो लोएस्ट स्कोर कितना आया है, 40। तो यहाँ पे लिख सकते हो, देयर फॉर लोएस्ट स्कोर इज 40, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स इक्वल है, तो ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होता है, तो मान लो ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो ये दो साइड्स की जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये भी इक्वली होगा। अच्छा, इसकी बेस है ये, तो बेस एंगल्स ये होगा। तो यहाँ पे बोला गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स इक्वल है, ठीक है। अच्छा, दी वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, तो ये है वर्टेक्स एंगल, तो ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स एंगल, तो यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री। व्हाट आर दी बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की बेस एंगल्स कितना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, रिमेंबर द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमें याद रखना है, ट्राइंगल की तीनों एंगल्स की सम होता है 180 डिग्री, ठीक है, हमेशा यही होता है। अच्छा, तो देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेस एंगल्स, तो ये हमें लेट करना है, लेट द बेस एंगल इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये बी है, ये भी बी होगा, है ना, इक्वल है। अच्छा, तो यही हमें निकालना है। अच्छा, वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, तो हमें इक्वेशन बनाना है।
अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से ही हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो ट्राइंगल की तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी प्लस बी प्लस 40 डिग्री, तीनों एंगल्स की सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा तो ये हो जाएगा इक्वेशन। अभी हमें सॉल्व करना है ना। तो b की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे 1, 2 बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b। ठीक है, 2b है तो यहाँ पे 2b हो जाएगा। अच्छा प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा b की वैल्यू निकालना है तो इसको हमें उधर लेकर जाना है, तो 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस 40 है तो इधर जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4 1, तो 140 डिग्री। अच्छा अभी इसको उधर लेकर जाना है, तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 0 0, तो हो जाएगा 70 डिग्री। तो बी हो जाएगा 70 डिग्री, मतलब बेस एंगल हो जाएगा 70 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 70 डिग्री 70 डिग्री, दोनों इक्वल हैं, है ना। 70 डिग्री 70 डिग्री हो जाएगा बेस एंगल्स। ठीक है, अच्छा तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। अच्छा सचिन ने कितना स्कोर किए हैं, राहुल ने जितना रन स्कोर किए हैं उसकी ट्वाइस, मतलब उसकी डबल स्कोर किए हैं सचिन ने। अच्छा टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अच्छा तो उन दोनों की रन्स अगर एक साथ कर देते हो तो कितना बनेगा, देखो डबल सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, डबल सेंचुरी मतलब 200, तो 200 में से टू शॉर्ट मतलब दो कम, तो हम माइनस करेंगे, तो 200 में से टू माइनस करने से कितना बनेगा 198, इतना। तो उन दोनों की रन्स अगर ऐड करो, एक साथ करो तो इतना बनेगा। ठीक है, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो हर एक की स्कोर कितना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अच्छा तो देखो किसका स्कोर हम लेट करेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, तो राहुल ने जितना रन स्कोर किए हैं उसकी डबल स्कोर किए हैं सचिन ने, तो राहुल की स्कोर हमें पता नहीं है, तो राहुल की स्कोर हम लेट करेंगे। लेट राहुल्स स्कोर इज इक्वल टू एक्स, तो सचिन की स्कोर कितना है, राहुल की जितना स्कोर है उसकी ट्वाइस मतलब इसकी डबल, 2 × x मतलब 2x, इतना है सचिन की स्कोर। अच्छा तो क्या करना है, ये जो रन्स है ना दोनों का, ये ऐड करना है। ठीक है, टुगेदर करना है मतलब ऐड करना है, एक साथ करना है, तो क्या होगा, देखो x प्लस 2x इज इक्वल टू, अगर एक साथ करो तो कितना बनेगा, डबल सेंचुरी में से दो कम मतलब 198, इतना बनेगा। तो ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3, तो 3x ऐड करेंगे, 3x होगा इज इक्वल टू 198। तो x की वैल्यू हमें निकालना है, 3 × x है, 3 को
उस तरफ हम ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 198 डिवाइड करो, 3 सिक्स 18, 9 माइनस 8 1, 8 आ जाएगा, 3 सिक्स 18 तो 66 होगा x की वैल्यू। ठीक है, मतलब राहुल की स्कोर है 66, देयरफॉर राहुल्स स्कोर इज इक्वल टू 66 और सचिन की स्कोर, दोनों का ही स्कोर हमें निकालना है, तो सचिन की स्कोर होगा 2 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये है तो 2 इंटू 66 तो कितना हो जाएगा, देखो 66 इंटू 2, 6 टू ज़ा 12, 2 1, 6 टू ज़ा 12 प्लस 1 13, 132। राहुल की स्कोर 66, सचिन की स्कोर 132। ठीक है, तो ऐसे हमें निकालना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था इस एक्सरसाइज की सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।